अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। ये बहुत बड़ी ताकत है ये। तो आज आपको इस ताकत के बारे में थोड़ा सा हम गंभीरता से बताते हैं। देखो, कुछ बड़े शब्द कहे जाते हैं, एक शब्द बोला जाता है, ये अपनी डायरियों में नोट कर लो और इसके आधार पर आप लोग काम करो। मैंने योग का प्रचार ना किया होता तो आज घर घर में उल्टे पुल्टे गीत ही बजते रहते, उल्टे पुल्टे एक्टर एक्ट्रेस के, कुछ अच्छे वाले हैं छोड़ दो, उनको अपवाद है, एक्सेप्शन है, उल्टे पुल्टे एक्टर एक्ट्रेस के जो ज्यादातर कैरेक्टर लेस हैं उन्हीं के नाम लोगों की जुबान पर होते, आज यदि करोड़ों लोगों की जुबान पर देश और दुनिया में कपाल भाती और अनुलोम विलोम का, योग का नाम आया है, पतंजलि का नाम आया है, तो यह प्रचार की भूमिका। महर्षि दयानंद ने वेद धर्म का प्रचार किया, स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का क्या किया बोलो, प्रचार किया। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद जी तक हमारे गुरुओं ने अपने इस अध्यात्म धर्म का, हिंदू धर्म का, ऋषि धर्म का प्रचार किया। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं सब प्रचारक थे, भगवान बुद्ध प्रचारक थे, भगवान महावीर प्रचारक थे अपने इस अध्यात्म धर्म के, इस ऋषि धर्म के। जितने भी बड़े काम हुए दुनिया में वो अच्छे प्रचार से हुए, इसलिए कहते हैं प्रचार की बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन दुष्प्रचार की उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत आज पूरी दुनिया में दिख रही है। इसलिए भारत के खिलाफ और भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा है उसका हमें निराकरण, हमें हथियार बना करके सोशल मीडिया का उस दुष्प्रचार को दूर करने की ताकत इकट्ठी करनी है। सारी दुनिया की आसुरी ताकतें, ये भारत के लिए भी और ये बात नेपाल के लिए भी, क्योंकि दोनों ही समान धर्मादेश हैं, दोनों ही सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म को, वैदिक सिविलाइजेशन को मानने वाले देश हैं, इसलिए दोनों देश के हमारे आप सब कार्यकर्ताओं को मैं बात कह रहा हूं। एक शब्द बोला जाता है प्रचार, दूसरा शब्द बोला जाता है दुष्प्रचार। हमें अपने प्रचार की ताकत बढ़ानी है। मैंने योग का प्रचार किया, आयुर्वेद का प्रचार किया, स्वदेशी का प्रचार किया, मैंने वेद दर्शन उपनिषदों का, संस्कृत का, संस्कृति का, मैंने अष्टाध्यायी का प्रचार किया, मैंने सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा का प्रचार किया, मैंने अपने देश की जो सनातन मूल्य हैं उनका प्रचार ना किया होता, और मेरे साथ बहुत महापुरुष हैं, कोई अकेला मैं नहीं हूं, तो ये आज सनातन हिंदू वैदिक धर्म इस रूप में नहीं दिखता। जितने भी ये तथा कथित कम्युनिस्ट लोग हैं अपने ही देश में पैदा हुए, लेकिन मैंने कहा वो आयातित संस्कृतियों के प्रति इतने ज्यादा आग्रही हैं, उनको अपने देश में सब कुछ बुरा ही बुरा दिखता है। याद रखना, अपने देश में कुछ भी बुरा नहीं है। बुरा कह कह करके दुष्प्रचार कर करके कि हिंदू धर्म में तो सब अंधविश्वास है, हिंदू धर्म में तो ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, नहीं, ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार। नेगेटिव बात करने में मुंह उठा करके कुछ भी बोल दो, मुंह उठा करके बोल दो स्वामी रामदेव बकवास है, बोल दो स्वामी रामदेव चोर है, बोल दो मुंह उठा करके, क्या लगता है स्वामी रामदेव दुष्चरित्र है, बोल दो इसमें क्या लगता है, बोलो राम भी दुष्चरित्र है, कृष्ण भी दुष्चरित्र है। ऐसे दुष्प्रचार हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जब आप देखते हैं, आप सबने देखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, और तो और बात छोड़ो, कुछ अपने भारत के लोग हैं जो भगवान राम को भी दुष्चरित्र बताने में तुले हुए, बोलो उनका तो सबरी के साथ अफेयर था, नहीं तो कोई किसी के झूठे बेर खाता है अपनी प्रेमिका को छोड़ करके, ऐसे उल्टे सीधे तर्क देते हैं, बोले राम जो है वो उसको अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी, सीता को नहीं। अब बताओ आप क्या कर लोगे, राम को लोग दुष्चरित्र बताने पर तुले हुए और अपने ही भारत के लोग हैं, मैं उनका क्या नाम लूंगा, बुरे लोगों के नाम भी जुबान पर लेना अपनी जुबान को गंदे करने जैसा है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को दुराचारी व्यभिचारी बनाने पर तुले हुए,
बोले जो सैकड़ों हजारों औरतों के साथ नाजायज संबंध रखता हो, उनके साथ जो है नग्नता का खेल खेलता हो, बोले वो पानी में घुसे और उनके कपड़े उठा ले और फिर उनको नंगा दौड़ाए पूरे शहर के अंदर, वो कैसा योगी हो सकता है? बोले इनका योगी वो तो बोले महाभोगी था, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान शिव और अपने सारे प्रतीक, इन सब के ऊपर कितने कितने अपने ऋषि मुनियों के ऊपर, भगवान अपने ऋषि विश्वामित्र से लेकर के, और इसमें जो है आश्रय और भी लेते हैं। एक हमारे शास्त्रों में मिलावट कर रखी है, जैसे आजकल मोदी जी कह रहे हैं ना महामिलावट है, ये तो राजनैतिक दलों का मामला है, लेकिन अपने धर्म में भी महामिलावट कर रखी है कुछ लोगों ने। ये भी काम आने वाले समय में पतंजलि योगपीठ की ओर से होगा कि हमारे शास्त्रों में जो मिलावट हुई है, चाहे वो रामायण में हुई है, महाभारत में हुई है, पुराणों में हुई है और तमाम जगह पर, उसको भी विशुद्ध रूप से, विशुद्ध मनुस्मृति, मनुस्मृति में भी मिलावट कर रखी है। मनु के सिद्धांत तो बहुत वैज्ञानिक हैं, लेकिन मनु की उस स्मृति में मिलावट करके मनु को ही दोषी और अपराधी बना दिया, और उसको सामंतवादी संस्कृति कह करके, उसको जो है शोषणवादी संस्कृति कह करके, उसको साम्राज्यवादी संस्कृति कह करके, और अपना अपमान किया जाता है। तो और सबसे बुरी बात तो यह है कि हमारा विरोध जो असुर लोग हैं वो करें तो समझ में आता है, अपने ही देश के सो कोल्ड धार्मिक लोग ही मेरा विरोध करते हैं। क्यों? मैं वैज्ञानिक बात करता हूं, मैं अपने धर्म को, अपने संस्कृति को कलंकित नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। जातिवाद का हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर एक तो पाखंड का आरोप लगाते हैं कि हम लोग ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को मानते हैं, हम के ऊपर जातिवाद का लांछन लगाते हैं, हम के ऊपर लोग वर्गवाद का लांछन लगाते हैं, हम लोगों को स्त्री और पुरुष के नाम पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करने वाला आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं चारों वेदों के 20,000 ऋचाओं में से कोई एक मंत्र ला करके मुझे दिखा दे कि वेद में कोई स्त्री और पुरुष के नाम पर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि के नाम पर कोई भेदभाव किया गया। ये तो संज्ञाएं थी प्राचीन काल में, जो बहुत विवेकी लोग होते थे उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, जो बहुत बहादुर लोग होते थे। ब्रह्म का अर्थ ही ज्ञान है, विराटता है। क्षत का अर्थ भय है, त्रय माने रक्षा, जो भय से बचाए वो क्षत्रिय। वैश्य का मतलब जो चारों तरफ घूम फिर करके जहां जहां अभाव हो समाज में उसकी पूर्ति करे, उसको वैश्य कहते थे। और शूद्र का अर्थ पूर्ण पवित्रता है, शूद्र का अर्थ अपवित्रता है ही नहीं यदि प्राचीन शब्दों पर भी कोई जाए। शुचि शुद्धों से शूद्र शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है पूर्ण पवित्रता, शूद्र का अर्थ अछूत होता ही नहीं है। तो हमारे यहां पर स्त्री पुरुषों के नाम पर भेदभाव, वर्णाश्रम के नाम पर भेदभाव का हम पर डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हैं। कोई कहता है कि यहां तो देखो कितने भेदभाव करने वाले लोग हैं, यज्ञोपवीत भी इनके यहां पर खाली पुरुष पहन सकते हैं, 6-6 धागे का पहने घूमते रहते हैं और अपने आप को कहते हैं हम धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। मैं कहता हूं भैया 6 में से 3 अपनी पत्नी के उसको पहना दे, 3 अपने गले में पहन के रखो, और स्त्री पुरुष दोनों को यज्ञोपवीत पहनने का और यज्ञ करने का अधिकार। हमारी छोटी छोटी बेटियां यज्ञ कर रही हैं, सबके गले में यज्ञोपवीत है, वेदा इनको यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, सबको वेद पढ़ाते हैं। हमारी संस्कृति के नाम पर जितने झूठे लांछन लगे हैं, उन सारे झूठे लांछनों को दूर करने का काम भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को करना है।